शरारतें कैसे करते थे? शरारतें बचपन तो क्रेज़ी था शरारतों में, स्कूल में भी बहुत किए हैं। बिकॉज़ स्कूल में जब छोटे थे तब की भी मैंने अगर सुनी हुई है ना मम्मा से, वॉज़ लाइक मम्मा कहती है तुम दोनों की जो सबसे ज़्यादा शिकायत आती थी कहीं से, तो वही आती थी कि मम्मा जब हम नर्सरी या यू नो प्रेप में होते हैं तो मम्मा कहती हैं कि मैं दोनों के बैग्स तैयार करके बेचती थी, एक जैसे बैग्स, एक जैसे जूते, एक जैसे थर्मस, एवरीथिंग सेम। मैं कहती नहीं, फीडर भी मैं एक जैसी होती थी, लेकिन तुम लोगों की लड़ाई किस बात पे होती थी? स्कूल जाके हम अक्सर आते थे ना तो हमारी दो पोनीज बनी होती थी, एक खुली होती थी। मैं कहती नहीं, तुम लोग लड़ लड़ के एक दूसरे की पोनीज खोलना, बाल नोचना, इस तरह की हमारी स्कूल में लड़ाई हो जाती थी कि इस बात पे हमने एक सीट पे बैठना है, अगर ये इस सीट पे बैठी है ना मैं ना, तो मैंने भी यहीं बैठना है, आप एडजस्ट करें उसको किसी भी तरह, हाँ, आपने एडजस्ट टीचर्स के करें। लिए कितना मुश्किल होता बहुत होगा। मुश्किल। वो ये कहती थी कि हम इनको किस तरह मैनेज करें, और फीडर, दोनों की फीडर साथ जाती थी। मैं कहती, मम्मा बताती है कि तुम लोग कहते थे कि हमने एक में से ही पीना और हाँ, मैं एक यही वक्त सोच में रही पीना थी। है। मतलब मम्मा कहती नहीं, मुझे सिर्फ ये घर से इस घर पे फ़ोन आता था कि इमन मिनाल की लड़ाई इस बात पे हो रही है कि इन्होंने एक बेंच पे बैठना है, ये नहीं कह रही कि हमने कहीं और बैठना है। इस तरह की शरारतें थी। उसके बाद हमने शूट्स पे बहुत किए हैं। मतलब मिनाल, जब मिनाल ने एक्टिंग स्टार्ट की ना, तो उससे मिनाल ने पहले, पहले की? मिनाल ने पहले एक्टिंग स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले हम कमर्शियल्स वगैरह अच्छा। करते थे, चाइल्ड स्टार्स। तो हुआ होता ये था कि कमर्शियल्स अगर मिलते थे ना किसी को, या उसको मिला या मुझे मिला, तो हमारी इस बात पे लड़ाई होती थी कि या तो वो करेगी या मैं करूँगी। ये नहीं होता था, होता था कि दोनों ने करना है। बाबा कहते थे, मैं सर पकड़ के बैठ जाते थे बाबा के, मैं क्या करूँ, मैं दोनों को कैसे बोलूँ कि इन दोनों को ले ले। हम शूट पर जाते थे तो जितने भी अभी जो भी हमें डायरेक्टर्स मिलते हैं ना जो पुराने हैं, वो हंसते हैं हमें देख के कि तुम लोगों को अपना बचपन याद है, तुम लोगों ने कैसे कैसे सेट पे लड़ाइयाँ की। मैंने कहा नो, हमें नहीं याद। मैं कहती हूँ कि ना होता था कि आधा कमर्शियल वो करती थी, आधा मैं करती थी। डायरेक्टर्स ही इस बात पे बेचारे हो जाते थे कि अच्छा ठीक है, आप दोनों आधा आधा कर लें, बस करें, ख़त्म करें। हम लोगों की ना होता था कि कोई भी नहीं करेगा फिर। अब वो परेशान हो जाते थे कि यार हमें तो काम करना है ना, हमें तो काम करना है। मम्मा भी कहती थी, मुझे तुम लोगों ने इस बात में बहुत तंग किया कि तुम लोगों को एक ही चीज़ चाहिए होती थी। हमने बहुत टाइम तक अपने कपड़ों पर ना निशानी लगा देते हैं कोई, कि ये मेरी शर्ट है, क्योंकि एक जैसे होते थे, उस पर नाम लिखे होते थे पीछे हमारे कपड़ों के, एमन मिनाल हर कपड़े पे, इवन स्कूल के सॉक्स तक पे हमने नाम लिख दिए थे अपने, कि भाई हमने, तुमने मेरा सॉक्स नहीं और ये पहनना। वो था कमरे में कि ये मेरा एरिया है, वो तुम्हारा हाँ, एरिया सब है, था, और वो बीच में एक सब लाइन था, खींचती कि इस तरफ नहीं आना आज। बिल्कुल ऐसा ही था, बहुत था, क्योंकि हमें एक ही चीज़ चाहिए होती थी। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उससे अच्छी चीज़ किसी के पास है, या उससे अच्छी चीज़ मम्मा कह रही मैं तुम्हें दिला दूँ, नो, इसने अगर ये लिया है ना तो मुझे यही चाहिए, नो तो मैटर ये कब व्हाट। खत्म हुआ था ये? ये ख़त्म हुआ जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमें समझ आई, क्योंकि मम्मा ने इस तरह समझाया कि देखो तुम लोग एक जैसे कपड़े अब पहनना छोड़ दो, तो इसलिए नहीं कि लोग नहीं पहचानते, लोग नहीं पहचानते थे पहले, तो हमें स्कूल में तो पहचाने ही वो तो नहीं बहुत सैड जाते डे होगा जब थे। मम्मी ने कहा कि एक जैसे कपड़े नहीं पहन नहीं, सकते। मैंने बहुत तरीके से समझाया, मैंने हमें थोड़ा सा यू नो लालच दी कि देखो जब तुम लोग अलग अलग कपड़े पहनोगे ना, अब शूट स्टार्ट कर दी थी तो मिनाल भी वो कपड़े पहन के शूट पे जाएगी, जब तुम पहन कर जाओगे तो नया लगेगा नेक्स्ट टाइम, तो अलग अलग लो। इस तरह करके मम्मा ने हमें अलग अलग जैसे और ये शर्ट्स किस उम्र में लो। उनको एहसास हुआ कि अब, मम्मा को तो एहसास शुरू से था, हम नहीं माने कभी हाँ, कि हमें पहनने कि अब अब ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन दोनों को? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, मम्मा को था कि बस करो, कितने जैसे कपड़े पहनोगे, हमारे पास हर कपड़ा एक जैसा था। शी वॉज लाइक कि नो, आप अलग अलग होने चाहिए। फिर थोड़े टाइम में हुआ, फिर हमारी पसंद चेंज नहीं हुई। अब हम अभी भी शादी के बाद भी अगर मैं कोई शॉपिंग करती हूँ ना, तो हम दोनों एक जैसे, एक मतलब साथ जाके तो फिर शॉपिंग वो करते कैसे हैं। हुआ जब तुमने मिनाल को बताया कि मुझे तो कोई बंदा पसंद आ गया? मिनाल को उसका बताया क्या नहीं, रिएक्शन था? बिकॉज दिस इज अ टफ मोमेंट जब आप सब मिनाल को कुछ इकट्ठे बताया नहीं, इकट्ठे कर रहे हो। नहीं मिनाल ने, मिनाल को खुद ही पता चल गया था, बताना नहीं पड़ा उसको। CID थी मेरे पीछे, उसको उसने शायद मैसेजेस में, मतलब आपको पता ही होता है कि एक ग्रुप में दो बंदों का अगर कोई आपस में दे लाइक ईच अदर, तो एवरीबॉडी नोज़ के यार उनको स्पेस दे दो। तो मिनाल ने इस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड किया, और मतलब मुझसे कोई बात नहीं की, शी नेवर डिस्कस्ड एंड नेवर एवर हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई इस बात पर। बट शी वॉज लाइक कि इफ़ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड श्योर देन गो अहेड। दैट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो बड़ा ही एक सेंसिटिव मोमेंट है।
अगर दो लोग इकट्ठे रह रहे हों और हर वक्त साथ हों। लेकिन हमारा इस ऐसा कोई चेंज नहीं आया आपस में. जब मुनीब हमारी मेरी लाइफ में आया तो मिनाल के लिए तो थोड़ा, मिनाल के लिए ऑब्वियसली मेरे लिए चेंज नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वैसे ही रह रही हूँ मिनाल के साथ उतना ही. लेकिन मिनाल को एक सबकॉन्शियस माइंड में था कि शायद एमन मुझसे दूर हो गई है, शी इज़ लाइक मुझसे दूर जा रही है. उसको किस तो तरह फील किया गया आपको? उसको गैप को फिल किया, उसको मिनाल ने अंडरस्टैंड किया कि नो, जब आपकी लाइफ में कोई, मेरी और मिनाल की एक लाइफ है और मुझे मेरी, ऑब्वियसली हमारी शादियां तो होनी थी, उसकी भी होनी है. तो हमने ये था कि मिनाल ने खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि नो, शी हैज़ हर लाइफ टू, उसको थोड़ा सा स्पेस दो. लेकिन मिनाल ने इस चीज़ पे कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने टाइम पे कि जो मेरा टाइम है ना, आई वॉन्ट माई टाइम, उसके बाद यू डू वट एवर यू वॉन्ट डू.